हाय फ्रेंड, जैकेट बनाने के लिए हमने मेजरमेंट लिया है चेस्ट 14, वेस्ट 38, हिप 44, शोल्डर 14, जो फुल लेंथ रखेंगे वो हम 55 रखेंगे और जो चोली की लेंथ रखेंगे वो हम 16 इंच रखेंगे। तो जब हम लेंथ रखेंगे उसकी तो 15 में से 16 इंच घटा देंगे तो ये हमारा जो नीचे का पोर्शन होगा वो 39 होगा। पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और ये हमने पेपर पूरी लेंथ का रखा है जितनी हमें इसकी जैकेट की लेंथ रखनी है। हमारी लेंथ है 55 इंच, तो हमने 57 इंच का हमने ये पेपर लिया है। अब हम पहले इसमें निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम अपना फैब्रिक कट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चोली की लेंथ पर निशान लगा लेंगे 16 इंच। 16 इंच में 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे यानी कि 17 इंच। ये हमने एक निशान लगा लिया है 17 इंच पर। यहाँ पर शोल्डर का, नेक और ये सब रखेंगे। इस तरह हमने ये निशान लगा लिए हैं, यहाँ तक हमने ये चोली का निशान लगाया है और नीचे तक हमने ये अपना घेर रखा है। ये नीचे तक हमारा घेरा गया है, जो हमने नीचे का घेर रखा है ये हमने 16 इंच रखा है। अभी हमने ये जो निशान लगाया है एक ही पेपर पर लगाया है क्योंकि पेपर की चौड़ाई कम है। जब हम फैब्रिक पे कट करेंगे तो डबल फैब्रिक पर कट करेंगे। अब हम यहाँ पर ये चोली का हिस्सा अलग कर लेंगे। पहले ये हमने चोली का पोर्शन अलग अलग कर लिया है और नीचे का पोर्शन अलग कर लिया है। अब हम अपना फैब्रिक लेंगे। लॉन्ग जैकेट बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है, जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक रखा है ये। और ये हमने पट्टी कट की है इसमें पाइपिंग लगाने के लिए। ये हमने 22 गेंद की पट्टी कट की है 2.5 इंच चौड़ी और इसको आयरन करके हमने डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि हम इसे जब लगाएंगे तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमने ये एक डोरी तैयार की है, ये भी हम अपनी जैकेट में यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला फैब्रिक लेंगे और इस पे अपनी ड्राफ्टिंग सेट करेंगे। इस तरह हमने 4 तह में फैब्रिक को फोल्ड किया और ये अपनी नीचे वाली ड्राफ्टिंग सेट कर ली। अब यहां से इसको हम कट कर लेंगे किनारे किनारे पर। जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उसके हम फ्रंट को कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन हमने 2 पीस कर लिए हैं। अब हम चोली की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमने जो साइड का फैब्रिक है इसको हम पहले फोल्ड कर लेंगे उल्टा, और फ्रंट पोर्शन हम ओपन रखेंगे तो इसको हम फ्रंट के लिए इस तरह कट कर लेंगे। यहाँ पर इसको रखेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट पोर्शन में। ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, इसको हमने अलग अलग पीस में कट किया है। और अब हम इसमें अपना बैक पीस कट कर लेंगे। इस तरह हमने ये अपना बैक पीस कट किया है। हम इसको कम फैब्रिक में बना रहे हैं, 2 मीटर फैब्रिक है हमारा तो इसमें हमें बैक साइड ज्वाइंट डालना होगा। तो हम यहाँ पर ये जो बैक साइड है हमारा इसको इसके ऊपर इस तरह रखेंगे और यहाँ पर ज्वाइंट लगा देंगे। अब हम इनके सबके अस्तर कट करेंगे। अस्तर लेंगे और इनको सेट करेंगे पीस को और कट कर लेंगे। तरह हमने अपना अस्तर कट कर लिया है। ये जो हमारे पीस हैं कुर्ती के वो हमने अस्तर के ऊपर रखे हैं और उसको कट कर लिया है। ये नीचे के घेरे हैं हमारे और ये फ्रंट और बैक। सबसे पहले हम अपना बैक पीस तैयार करेंगे। उसके लिए हम ये दोनों पीस लेंगे अपने। जो हमारा अस्तर है वो हमने ज्वाइंट कट किया है।
हमारा जो ये बैक पीस है इसमें हमारा ज्वाइंट आएगा, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और डिजाइनर बनाने के लिए हमने ये जो डबल फोल्ड करके पट्टी कट की है 22 ग्रेन की और इस पे आयरन किया है। इस पे आयरन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमारी सेट नहीं आएगी। तो हम एक पीस पर ये पट्टी लगा लेंगे अपनी। अब हम इसको इस तरह पट्टी को साइड कर लेंगे। आप इस पे आयरन भी कर सकते हैं, आयरन से आपको और अच्छे से सेट हो जाएगी। और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। जितनी में बाहर पाइपिंग चाहिए उतना इसको बाहर से रखेंगे इस तरह, और एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। इस तरह हमने ये बारीक सी पाइपिंग यहाँ पर तैयार कर ली है। आप चाहे तो इसको थोड़ी मोटी भी पाइपिंग रख सकते हैं। अब हम अपना दूसरा पीस लेंगे और इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। इस तरह हमने ये बैक पीस ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पर ये पाइपिंग लगने से इसका गेटअप बढ़ गया है। आप यहाँ पर बटन्स भी लगा सकते हैं जिससे ये और भी प्यारा लगेगा। अब हम इनके नेक कट करेंगे। इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे बराबर। इस तरह हमने ये फ्रंट और बैक दोनों पीस रख लिए हैं और नेक का निशान लगा लिया है। जो हमारा फ्रंट का नेक है वो हमने 6 इंच रखा है, यहाँ से 3 इंच रखा है, बैक का 4.5 इंच रखा है। अब हम इसमें अस्तर सेट करेंगे। अस्तर हम सीधी साइड रखेंगे अपना और यहाँ पर इसको पिनअप कर लेंगे, और पिनअप करने के बाद हम एक सिलाई लगा देंगे इसमें। इस तरह हमने ये पिनअप कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे नेक पर। इस तरह हमारा ये बैक पीस रेडी हो गया है। यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगाकर इस दोनों फैब्रिक को सेट कर लेंगे। अब हम अपना फ्रंट पोर्शन तैयार करेंगे। अब हम अपना फ्रंट पोर्शन रेडी करेंगे। फ्रंट पोर्शन का ये हमारा सीधे हाथ वाला पीस है। इसमें हम ये तो ये हमने किस तरह बनाई है एक बार आपको बता दें। ये हमने 22 ग्रेन की पट्टी ली और उसको इस तरह फोल्ड किया और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लिया। जिस तरह हम डोरी बनाते हैं उस तरह हमने ये तैयार किया है। इसमें सिलाई लगाने से पहले पहले हम इनको तैयार करेंगे जिसे हम आसानी से लगा सकें। इनको इस तरह लेंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमने ये पहले रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि पहले ये नेक पर सिलाई लगाएंगे। अब इनको हम यहाँ पर सेट करेंगे अंदर की साइड। जो ये हमने गोलाई तैयार की है ये अंदर की साइड रखेंगे और जो ये हमारा वेस्ट पोर्शन है ये बाहर की साइड रखेंगे। इस तरह हमने अपना एक साइड का पोर्शन तैयार कर लिया है। इसी तरह हम अपना दूसरा पीस तैयार करेंगे। उसमें भी ये नहीं लगाएंगे, बाकी जैसे नेक तैयार किया है और ये सिलाई लगाई है इसको ऐसे तैयार करेंगे सिंपल तरीके से। इस तरह हमने अपने दूसरे पीस पर भी सिलाई लगा ली है नेक पे और यहाँ फ्रंट पोर्शन। अब इसमें भी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे नेक पे और यहाँ पर फ्रंट पोर्शन पर। और यहाँ पर हम एक पट्टी लगाएंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखी है। डबल फैब्रिक किया और उसमें ऊपर की साइड बंद किया और ऐसे सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लिया है। ये वाली पट्टी हम यहाँ पर सेट करेंगे इस तरह और एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमने ये फ्रंट का दूसरा पीस तैयार कर लिया है। यहाँ पर एक पट्टी लगाई है एक्स्ट्रा। अब हम दूसरा पीस लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह लेंगे
अगर आपको इसे ओपन रखना है तो आप यहाँ से इसको ओपन रख सकते हैं। मैंने नेक अपना बड़ा बनाया है तो हम इसे ओपन ओपन नहीं रखेंगे। और ये जो पट्टी है और ये जो सिलाई है इसके ऊपर इस तरह इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। इस तरह हमारा ये फ्रंट पोर्शन भी रेडी हो गया है। अब हम इसके नीचे के पीस तैयार करेंगे। पहले फ्रंट पोर्शन तैयार करेंगे। इस तरह हमने ये फ्रंट का एक पोर्शन लिया है और इसमें यहाँ पर अस्तर ज्वाइंट कर लिया है, पिनअप कर लिया है इसमें। अब हम ये वाली अपनी पट्टी लेंगे और यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे। अब हम इसको ये जो हमारी पाइपिंग है इसको अंदर की साइड इस तरह फोल्ड कर देंगे और इसको सीधी साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने एक साइड पाइपिंग तैयार कर ली है और ये जो हमने पाइपिंग लगाई है ये बीच के पोर्शन में लगाई है, जो सीधी साइड है हमारी वहां पर। ये हमारा बीच में ओपन रहेगा। आप यहाँ पर चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम अपना दूसरा पीस तैयार करेंगे जो फ्रंट का हमारा इस साइड का पोर्शन है। इस तरह हमने ये अपने दोनों फ्रंट के पोर्शन रेडी कर लिए हैं। दोनों साइड हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम अपनी जो चोली है उसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह अस्तर और फैब्रिक अलग अलग कर लेंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे। इस तरह सिलाई लगाने से जो हमारी ये सिलाई है वो अंदर की साइड आ गई है। अब यहाँ आर्म होल पर हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो आप स्लीव लगा सकते हैं, और अगर पाइपिंग लगानी है तो इसमें इसको ज्वाइंट करने से पहले इसमें यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। ये मेरा फैब्रिक 2 मीटर था तो इसमें हमारी स्लीव्स नहीं निकली है, लेकिन यदि आपको स्लीव्स लगानी है तो आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। जब हम यहाँ पर गोलाई पे आएंगे तो यहाँ पर हम एक प्लेट डालेंगे जिससे इसको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। ये वाला फैब्रिक सिलाई वाला ऊपर की साइड करेंगे और इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे। हमने ये एक साइड का आर्म होल तैयार कर लिया है। इसी तरह दूसरी साइड भी पाइपिंग लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों आर्म होल तैयार कर लिए हैं। अब ये जो हमारा फ्रंट पोर्शन है यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। एक पीस यहाँ रखेंगे सेंटर में। इस तरह हमने ये फ्रंट का पोर्शन ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरह हम बैक पीस ज्वाइंट करेंगे। सेंटर में निशान लगाएंगे और सेंटर से लगाकर इसको सेट कर देंगे। इस तरह हमने ये बैक पीस भी इसमें ज्वाइंट कर लिया है। पहले बीच में हमने कट लगाया नीचे की साइड, और ये बीच का सेंटर है, इनको मिलाकर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगा लिए हैं। इसको सीधी नीचे तक सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। इस तरह हमने एक साइड की फिटिंग लगा ली है। इसी तरह हम दूसरी साइड की फिटिंग लगा लेंगे। इस तरह हमने दोनों साइड फिटिंग लगा ली है और जैकेट हमारी तैयार है। अब हम इसको नीचे से, चाहे तो हम इसमें लेस लगा सकते हैं चौड़ी, या इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें जिस तरह हमने ये पाइपिंग लगाई है इस तरह यहाँ पर नीचे की साइड पाइपिंग लगाएंगे पूरी गोलाई में। इस तरह हमने ये नीचे की साइड पूरी गोलाई में अपनी पट्टी सेट कर ली है।
ये हमने उल्टी साइड पट्टी लगाई है। अब हम इसको इस तरह ऊपर की साइड करेंगे और यहाँ पे पूरी गोलाई में आयरन कर लेंगे। इस तरह हमने इस पट्टी पर आयरन कर लिया है। अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे, ये एक्स्ट्रा अंदर की साइड इस तरह फोल्ड कर देंगे और फिर जो हमारी पट्टी है उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो इससे ये हमारी इतनी चौड़ी पट्टी आएगी तो नीचे का गेटअप अच्छा लगेगा। इस तरह हमने ये नीचे का भी पोर्शन तैयार कर लिया है और इस तरह ये हमारी लॉन्ग जैकेट तैयार हो गई है।